Hello, myself Jayati, Nipit Secunderabad, Special Education Center. आज हम लोग देखेंगे टाइम कॉन्सेप्ट. ये टाइम कॉन्सेप्ट सीखने के पहले एज ए प्रीरिक्विजिट स्किल बच्चे के अंदर पहले नंबर कॉन्सेप्ट होना है, देन लॉन्ग शॉर्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अटेंशन, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एंड ये सब स्किल्स होना है. उसके बाद हम लोग टाइम के रिलेटेड जैसे नाउ देन मतलब अभी, बाद में, पहले और डिफरेंट डेज 7 डेज मंथ्स ये कॉन्सेप्ट भी बच्चे को पहले सिखाएंगे. उसके बाद हम लोग जब टाइम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, अभी के सिचुएशन में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल क्लॉक है, इजीली हम लोग वहाँ से बच्चे को सिखा सकते हैं. पर जो हायर ग्रुप है, हायर एबिलिटी फंक्शनल एबिलिटी ग्रुप है, उन लोगों के लिए हम लोग ये जो क्लासिक क्लॉक है उससे भी उनको टाइम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ताकि उसको आगे जाके आवर्स मिनट्स का भी कॉन्सेप्ट रहेगा. तो उसके लिए पहले हम लोग बच्चे को ये दो आवर्स जो मिनट हैंड और आवर हैंड इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रीरिक्विजिट में है, उसके बाद उसको डायरेक्टली में सिखाएंगे हम लोग आवर कॉन्सेप्ट. आवर मतलब जब जो स्मॉल हैंड है, स्मॉल हैंड को हम लोग जो नंबर पे रखेंगे, और जब लॉन्ग हैंड 12 में रहता है तब स्मॉल हैंड का आवर्स होते हैं. मान लीजिए इसमें स्मॉल हैंड 3 में तो और 12 लॉन्ग हैंड 12 में, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 o'clock. तो ऐसे के एक बच्चे को सिखाएंगे कि जब ये स्मॉल हैंड दूसरे नंबर पे जाते हैं पर लॉन्ग हैंड हमेशा वो 12 पे रहते हैं, तब हो जाते हैं आवर्स. और दोनों नंबर के बीच 5 मिनट का गैप रहते हैं, तो टोटल ऐसे 60. और डेज में 24 आवर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग बच्चे को शुरुआती तौर पे देते हैं. और हमेशा हर टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के तरह, जैसे हम लोग मैचिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि हम लोग ऐसे दिखा देंगे कि तुम भी ऐसे बनाओ, कि बच्चे देख के स्मॉल हैंड देन लॉन्ग हैंड ऐसे बनाते हैं. उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट आवर्स में सिखाएंगे. आवर्स कॉन्सेप्ट होने के बाद हम लोग सिखाएंगे उसको मिनट. मिनट कॉन्सेप्ट के साथ जानने के साथ साथ उसको टेबल के बारे में, मतलब 5 का टेबल के बारे में पता है होना चाहिए. जैसे ये घड़ी में 5 का टेबल इसमें मेंशन किया है, तो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे वाला मेंशन करके उसको देंगे, ताकि उसको भी देख के पता चलेगा. जैसे इसमें है कि 9, देन 1 में है तो 9 5, इसमें 9 5 हम लोग बोलेंगे. ये अगर 2 में जाएगा तो 10, तो 5 का टेबल साथ साथ में वो देख के भी इसको बोल सकते हैं. देन जब 6 में आते हैं उसको बोलते हैं 30 9 30. जब लॉन्ग हैंड 6 में आते हैं और शॉर्ट हैंड जो नंबर पे रहते हैं, शॉर्ट हैंड का नंबर का 30 मिनट्स होते हैं. ऐसे करके बच्चे को हम लोग कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. ये आवर और मिनट होने के बाद पहले हम लोग आवर, उसके बाद 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45, ऐसे करके उसको सिखाएंगे. उसके बाद धीरे धीरे 5 मिनट 5 मिनट करके ब्रेक करके भी सिखा सकते हैं. ये ओरिजिनल क्लॉक में सिखाने के बाद हम लोग बच्चे को ड्रॉ करके, जैसे जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में भी टाइम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे. तो ये कॉन्सेप्ट देने के बाद हम लोग बोर्ड पे जब आते हैं तो सेमी कॉन्क्रीट लेवल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, तो ये मैचिंग कि हम लोग बच्चे को बोल सकते हैं कि नंबर जो है वो मैच करो. मैचिंग के साथ इसमें 2 क्लॉक है, तो ये 9 है और ये 9 o'clock, इसके साथ ये बच्चा मैचिंग कर सकते हैं. तो ये स्टेप होने के बाद थोड़ा हैबिचुएटेड जब बच्चे हो जाते हैं, तब हम लोग डायरेक्टली उसको इस पे देंगे कि एक ड्रॉ करके उसमें खाली रखेंगे वो कॉन्सेप्ट, कि आवर का कॉन्सेप्ट अगर उसको हो जाए तो हाँ ये 9 है, तो वो लिख के 9 लिख सकते हैं.
ये कॉन्सेप्ट होने के बाद दूसरे स्टेप में हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर देंगे, टाइम लिख देंगे, उसको पोजीशन, हैंड का पोजीशन बनाने के लिए बोलेंगे। इसमें जैसे थ्री है तो थ्री मतलब शॉर्ट हैंड इसमें थ्री में और लॉन्ग हैंड ट्वेल्व में। तो ऐसे हम लोग स्टेप वाइज आवर, उसके बाद मिनट का भी बच्चे को सिखा सकते हैं। ये स्टेप होने के बाद बच्चा अगर एबिलिटी और भी वो कर सकते हैं और भी अच्छा है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको मिनट मतलब 60 मिनट, मिनट में 1 आवर, 1 आवर होते हैं ये कॉन्सेप्ट, देन 60 सेकेंड्स में 1 मिनट ये कॉन्सेप्ट भी बच्चे को देंगे, ताकि आगे जाके वो जो कन्वर्शन वाला है, अगर हम लोग बोलते हैं कि 2 आवर इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो वो आगे जाके वो भी हम लोग सिखा सकते हैं। 2 into मिनट मतलब 60, देन 2 into 60 मतलब 120 मिनट का मतलब इज इक्वल टू 2 आवर। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग एडवांस स्टेज में सिखा सकते हैं, मिनट एज वेल एज सेकेंड्स का भी। तो दीज आर ऑल द वे टू टीच अ चाइल्ड अबाउट टाइम कॉन्सेप्ट एंड टाइम रिलेटेड मेजरमेंट एंड काउंटिंग। थैंक यू।